हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस करेंगे 7th क्लास की पोयम चीवी। तो शुरू करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन समबडी हेल्प्स अस और गिव्स अस अ गिफ्ट, वी आर सपोज टू डैश। जब हमारी कोई मदद करता है या हमें कोई उपहार देता है तो ऐसा माना जाता है रिटर्न द गिफ्ट, उपहार को वापस देना होता है। से थैंक यू, धन्यवाद कहना होता है। से नो थैंक्स, मना करके धन्यवाद करना होता है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, से थैंक यू, धन्यवाद देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू ग्रोन अप्स से टू चिल्ड्रन। ग्रोन अप्स होते हैं हमारे बड़े, वो बच्चों को क्या कहते हैं? स्पीक अप बोलने के लिए, सिट डाउन बैठने के लिए, से प्लीज प्लीज कहने के लिए, ऑल ऑफ द अबो। ये तीनों ऑप्शन। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोयम वी शुड नॉट ड्रैग आवर डैश। कविता के अनुसार हमें क्या घसीटना नहीं चाहिए? टेबल, मेज, फीट, पैर, बैग, बस्ता, टॉयज, खिलौने। इसका आंसर ऑप्शन बी, फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोयम वी शुड नॉट टॉक वाइल डैश। कविता के अनुसार हमें कब नहीं बोलना चाहिए? स्लीपिंग सोते समय, ईटिंग खाते समय, रनिंग दौड़ते समय, सिटिंग बैठते समय। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, ईटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोयम वी शुड नॉट पिक अवर डैश। कविता के अनुसार हमें क्या नहीं कुरेदना चाहिए? आइज, माउथ, नोज, हेयर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, नोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोयम। इस पोयम का क्या नाम है? तो इस पोयम का नाम है चीवी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोयम चीवी मीन्स, चीवी का क्या मतलब होता है? टू नेग मना करना, टू कंटिन्यूअसली अर्ज समवन टू डू समथिंग, लगातार किसी को कुछ करने के लिए कहना। बोथ वन एंड टू, टू कंफ्यूज, दुविधा में डालना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड इन द पोयम चीवी आर फॉर द डैश। चीवी कविता में जो निर्देश दिए गए हैं वो किसको देने के लिए बताए गए हैं? स्कूल स्टाफ, स्कूल के स्टाफ को, ग्रोन अप्स बड़ों को, चिल्ड्रन बच्चों को, द बॉयज ओनली लड़कों को केवल। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स डू ग्रोन अप्स से। बड़े लोग क्या कहते हैं? डोंट पिक योर नोज, अपनी नाक को मत कुरे दो। डोंट स्टेयर, घूरना बंद करो। घूर कर मत देखो। डोंट पॉइंट, इशारे मत करो। ऑल ऑफ द अबो। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस से थैंक यू। धन्यवाद कहने के लिए कब कहा जाता है? व्हेन समबडी गाइड यू, जब कोई आपको मार्गदर्शन देता है। व्हेन समबडी हेट यू, जब कोई आपसे घृणा करता है। व्हेन समबडी टीज यू, जब कोई आपको चिढ़ाता है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, व्हेन समबडी गाइड यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड नॉट वी टॉक, हमें कैसे बात नहीं करनी चाहिए? विद आवर माउथ हैप्पी, खुश रहते हुए। विद आवर माउथ फुल, मुंह में कुछ खाते हुए। विद आवर माउथ सैड, उदास होते हुए। विद आवर माउथ ओपन, मुंह खोलकर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, विद आवर माउथ फुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव्स अस इंस्ट्रक्शंस अबाउट थिंग्स और नॉट। हमें किसके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि ये मत करो और ये करो? पेरेंट्स माता-पिता के द्वारा, एल्डर्स बड़ों के द्वारा, फ्रेंड्स दोस्तों के द्वारा, ग्रोन अप्स बड़ी उम्र के लोगों द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ग्रोन अप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड द यंग चिल्ड्रन पुल अप, छोटे बच्चों को क्या खींचना चाहिए? दे शुड पुल अप देयर टेबल, उन्हें अपना मेज ऊपर खींचना चाहिए। दे शुड पुल अप देयर सॉक्स, उन्हें अपनी जुराबें ऊपर करनी चाहिए। दे शुड पुल अप देयर डोर, उन्हें अपना दरवाजा ऊपर करना चाहिए। नन ऑफ दीज।
तो इसका आंसर ऑप्शन बी, दे शुड पुल अप देयर सॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड दे स्टैंड अप, उन्हें कैसे खड़ा होना चाहिए? स्ट्रेट, सीधा, स्टूपिंग, झुका हुआ, लिस्टलेसली, बिना तरीके से, स्लोली, धीरे धीरे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड माइंड अप, माइंड अप का क्या अर्थ है? टू डिसाइड, निर्णय लेना, मेक, बनाना, थिंक, सोचना, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, टू डिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ पुल इज डैश, पुल का विलोम अर्थ क्या है? पुल अप, ऊपर खींचना, स्क्रैच, घसीटना, पुश, धकेलना, बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, पुश। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय स्टूडेंट्स।